नमस्कार, स्वागत है आपका। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की लगातार कार्रवाई और छापेमारी का सिलसिला जो शुरू हुआ। बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी भी लगने लगी। बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है कि चाहे मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का कसता शिकंजा हो, कि कविता के शराब घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ हो, या फिर लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी, सब कुछ बीजेपी के ही इशारे पर हो रहा है। दरअसल शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई दोनों ने ही शिकंजा कस रखा है और अब इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता से भी ईडी की टीम पूछताछ का सिलसिला शुरू कर चुकी है। और शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक लैंड फॉर जॉब मामले में छापेमारी देखने को मिली। इससे पहले राबड़ी से भी पूछताछ हुई और लालू यादव को भी समन भेजा गया। तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी आज समन के बाद भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए क्योंकि उनका अपनी बीमार पत्नी के साथ अस्पताल में रहना जरूरी था। खैर, इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इन एजेंसियों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपने इशारे पर काम करवा रही है। इन तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इन आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन पर करप्शन को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो सभी कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कभी इमोशनल कार्ड, लेकिन वो अपने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे रहे हैं। जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनपे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट, ये जरूरी है, आवश्यक है, ये कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, ये कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला शराब मंत्री पूर्व में रहे उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, मस्ट। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो नौकरी लो, इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो, क्या कहता है, नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया, जमीन दो नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया।
तीसरा हमने देखा बीआरएस की नेत्री हैं के कविता, इसका शीर्षक हो तो हो, गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आज सीबीआई के सामने पेशी होनी थी, लेकिन गर्भवती पत्नी की बिगड़ी तबीयत का हवाला देते हुए तेजस्वी आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी अचानक बेहोश हो गई थी, जिसके बाद तेजस्वी को उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा और इसी वजह से वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाए। आपको बता दें कि सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार के शामिल होने के कई सबूत मिले हैं। सीबीआई का दावा है कि लालू परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन का सौदा किया है। इस पूरे मामले पर आज तेजस्वी से सीबीआई पूछताछ करने वाली थी, लेकिन पत्नी की बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए तेजस्वी आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने कुल 24 ठिकानों पर बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी और ईडी की इस कार्रवाई से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी की छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 3 पुत्रियों और आरजेडी नेताओं के परिसर में भी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक छापों के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम सोना और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली के एक घर की तलाशी में लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये घर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में है और लाभार्थी कंपनी AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत पता है जो मामले में शामिल है, लेकिन ईडी के मुताबिक इसे यादव का परिवार आवासीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि जॉब फॉर लैंड स्कैम मामले में सीबीआई ने पटना में सोमवार को उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। राबड़ी, मिसा और लालू को इस मामले में 15 मार्च को दिल्ली की अदालत में पेश भी होना है। सीबीआई ने पिछले साल मई में नौकरी के बदले जमीन मामले में केस दर्ज किया था और इस मामले में भोला यादव, जो कि लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अक्टूबर में इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले की अभी जांच चल रही है। सीबीआई का दावा है कि लालू परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला करके पटना में करीब 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में किया है। ईडी और सीबीआई की लगातार कार्रवाई से लालू यादव बौखलाए नजर आ रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई के बाद ईडी का एक्शन शुरू हो गया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एनसीआर में बेटे तेजस्वी यादव के साथ बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के यहां हुई ईडी की छापेमारी को लेकर बेहद गुस्से में है। लालू का गुस्सा तेजस्वी के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी के कारण उनकी प्रेग्नेंट बहू राजश्री यादव को हुई परेशानी को लेकर भी सातवें आसमान पर है। ईडी की रेड के बाद लालू ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आपातकाल का काला दौर भी देखा है और वो लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामले में उनकी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधु को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बिठा रखा था। लालू यादव ने बीजेपी पर निम्न स्तर पर उतरकर राजनीति करने का आरोप लगाया और ऐलान किया कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ उनकी वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। उनके परिवार का कोई भी सदस्य भाजपा की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग नहीं हुए तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ। अब फिर हम लोग एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर। अद्भुत चीजें हो रही है इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 2010 का 2 बार बंद हुआ उसको खुलवाया जाता है, उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है 4 बजे सुबह तक। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां बैठे रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की बिहार की जो आपका दर्द है उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। भ्रष्टाचारियों की जमात के बीच जो बौखलाहट है, जो परेशानी है और उनका जो भाषा निकल रहा है वह भाषा संयमित नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे तो समझना चाहिए था इन भ्रष्टाचारियों को कि अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। बीते दिनों बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। इस हादसे की जानकारी सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। शुरुआती जांच के आधार पर एक्टर के निधन की वजह दिल का दौरा बताई गई, मगर अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सूत्रों के मुताबिक जब दिल्ली पुलिस की टीम ने फार्म हाउस में जाकर जांच की तो पुलिस को कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी। फिलहाल पुलिस एक्टर के डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि सतीश कौशिक होली का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई से दिल्ली आए थे, यहां उन्होंने होली पार्टी में शिरकत की थी। एक्टर की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने होली की पार्टी में आई मेहमानों की पूरी लिस्ट तैयार की है जो पार्टी के वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे। पुलिस उस उद्योगपति से भी पूछताछ करना चाहती है जो सतीश कौशिक के मौत के बाद फरार हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस फार्म हाउस में ये पार्टी रखी गई थी वो एक जाने माने उद्योगपति का फार्म हाउस है जो कि कई मामलों में आरोपी है और उनकी मौत के बाद से वो फरार है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट वेबिनार सेमिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम इतना विशेष होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी तभी हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना उसी सोच का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि कौशल भारत मिशन और कौशल विकास केंद्र के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कारीगरों को सरकार से जो हस्तक्षेप की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाई थी। बता दें कि ये कार्यक्रम 12 पोस्ट बजट वेबिनार की सीरीज का एक हिस्सा है। वेबिनार की सीरीज में केंद्र सरकार बजट 2023-24 में किए गए ऐलान पर विचारों और सुझावों को इकट्ठा कर रही है ताकि उन सभी घोषणाओं पर सही दिशा में काम किया जा सके। अतीक अहमद के मददगारों और शूटरों की अब खैर नहीं है। इनकी बकायदा लिस्ट बनाई जा चुकी है और एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर अतीक के गिरोह के जुड़े अपराधियों के अवैध निर्माण पर चलने को तैयार है। जानकारी मिली है कि माफिया गिरोह से जुड़े 20 से ज्यादा अपराधियों के 20 से ज्यादा अवैध निर्माण की बुलडोजर कार्रवाई के लिए लिस्टिंग की जा चुकी है और अब एक एक करके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाला एक्शन भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर फैसला सोमवार तक लिया जाना है। अब तक उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के 4 करीबियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है और अब एक बार फिर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा अवैध निर्माणों को जिला प्रशासन और पीडीए ने चिन्हित कर लिया है। इसमें फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अहमद और साबिर के भी बिना नक्शा पास बनवाए जाने वाले मकान शामिल हैं। कार्रवाई के जद में अतीक के कुछ रिश्तेदारों और मददगारों की भी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि इस बार शुरुआत गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर से की जा सकती है। और कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर मास्क की वापसी होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार इसकी वजह बना है लोगों को तेजी से चपेट में लेने वाला H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। देश में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों मरीज कर्नाटक और हरियाणा के थे। वहीं इस वायरस के अब तक 90 केस मिले हैं। इस बीमारी की परेशानी के लिए अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मौसम बदलने के साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने तेजी से लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इससे बचाव को लेकर मास्क की फिर से वापसी हो गई है। IMA ने इस बीमारी में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दी है। साथ ही डॉक्टरों की माने तो इस बीमारी के लक्षण में कमजोरी और तेज बुखार शामिल है। मेघालय के सीएम ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। आपको बता दें कि वो खुद सीएम खुद 10 विभाग संभालेंगे। डिप्टी सीएम पी ट्वेंसोंग को गृह विभाग का जिम्मा दिया गया है। पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड के संगमा एक बार फिर मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम का पद संभालने के साथ ही उन्होंने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। बता दें कि उन्होंने ज्यादातर महत्वपूर्ण विभाग अपनी पार्टी NPP के पास ही रखे हैं। वहीं गठबंधन सहयोगियों भाजपा, UDP और HSPDP को राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले विभाग दिए हैं। मुख्यमंत्री संगमा ने वित्त वन, राजनीतिक कार्मिक, IT, खनन एवं भू विज्ञान विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक प्रेस्ट्रॉन तिनसोंग को गृह, PWD, जिला परिषद मामलों और संसदीय मामलों के विभाग आवंटित किए गए हैं। एक अन्य उप मुख्यमंत्री
एस धर को शहरी मामलों, परिवहन, उद्योग और जेल तथा सुधार सेवाओं का प्रभार सौंपा गया है। मेघालय सरकार के कैबिनेट मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक को पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, प्रकाशन और सचिव प्रबंधन विभाग सौंपे गए हैं। कैबिनेट मंत्री माजेल एम्प्रिन लिंगदोह को कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनसंपर्क विभाग और कानून विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। नेपाल में 17 मार्च को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने को है, जिसको लेकर के प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी गई है। नेपाल में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। यहां 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के 4 उम्मीदवार शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि यह चुनाव 17 मार्च को होगा। सहायक चुनाव अधिकारी अमृता कुमारी शर्मा के मुताबिक काठमांडू के न्यू वेनेश्वर स्थित संसद भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 882 है, जिसमें संसद के 332 संघीय सदस्य और 550 प्रांतीय विधानसभा सदस्य शामिल हैं। संसद के संघीय सदस्य का वोट भार 79 है, जबकि प्रांतीय विधानसभा सदस्य का 48 है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लैंगिक या जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सीपीएन यूएमएल ने उपाध्यक्ष पद के लिए अष्टलक्ष्मी शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह जनमत पार्टी ने ममता झा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। जनता समाजवादी पार्टी ने प्रमिला यादव और राम सहया यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। देश लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।